वो ऊपर है अपर नीलम गांव, वो गाड़ी आ गई यार, हाथ देने की कोशिश करो यार गाड़ी वाले को, एक गाड़ी आ रही है शायद वो रोक ले यार, गाड़ी वाले को हाथ दो। कौन सी गाड़ी में आई थी? हम स्पेशल पे नहीं आए, पब्लिक लोकल गाड़ियों पे है ना, मतलब जिस तरह जब रुकते हैं रास्ते में जो मिल गई उस पर बैठ गए। तो कितना खर्चा हो जाएगा आपका? ये तो भी अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तो हमारे प्लान तो काफ़ी लंबे हैं आगे तक जाने के हैं, वो ताऊबर तक, बाकी जब बजट ख़त्म हो गया तो वापस चले जाएंगे। नहीं, वैसे अंदाजा मतलब ये जो है इंडिया है, ये पाकिस्तान है, कश्मीर हो, आपका कितना किराया होगा? नहीं फिर भी सर मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए जी, इस तरह के बंदे भी हमें मिल जाते हैं, इन्होंने हमें फ्री लिफ्ट दी है। इस तरफ है केरन सेक्टर और सामने है इंडिया, और इस तरफ हम जाएंगे दवारियां के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अभी हम जा रहे हैं अपर नीलम वैली से नीचे केरन की जानब, और वो भी पैदल, क्योंकि यहां से हमें अभी तक कोई टैक्सी नहीं मिली। तो आगे हमने जाना है दवारियां और रत्ती गली लेक की जानब, तो फिलहाल हम जा रहे हैं पैदल वापस केरन की तरफ। वो ऊपर है अपर नीलम गांव, वो गाड़ी आ गई यार, हाथ देने की कोशिश करो यार गाड़ी वाले को, एक गाड़ी आ रही है शायद वो रोक ले यार, गाड़ी वाले को हाथ दो। तो क्योंकि ये जितनी उतराई है आगे उतना यानी कि मुश्किल रास्ता है, देखते हैं गाड़ी वाला रोकता है या नहीं यार, सब ले जाएंगे यार, रोक तो गया गाड़ी वाले। बहुत शुक्रिया यार, ऊपर बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें लिफ्ट मिल चुकी है और गाड़ी में भी हम इंटर हो चुके हैं। इस टाइम तो रत्ती गली जाना भी मकसद, गाड़ी में बैठते ही इन भाई साहब से रत्ती गली को लेके हमारी गपशप का आगाज हुआ। सही हो नहीं, अभी दवारियां अगर पहुंच जाए शाम तक तो वो नहीं ठीक होगा। किसी के साथ हम एडजस्ट हो जाएंगे, कोशिश करेंगे। हाँ चलो, कम से कम बजट में हो जाए जी जी, मतलब लोग कोई ना कोई मिल ही जाएगा ना हमें, मिल जाएगा। देखो अल्लाह पाक निजाम बनाने, अगर शाम होगी तो हम सोच रहे हैं कि दीवारियां रुक जाएंगे ना, कल निकल जाएंगे फिर। बिल्कुल ऐसा करेंगे ना, ऊपर जाए तो सुबह जाए आप जी, ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे ना, क्यों अभी अंधेरा हो जाएगा फिर शाम तक। जाहिर बात है जी, वैसे वो खुली है लेक अब। चले सही हो गया। और जो बबून मेडोज है वो उधर का इनकी क्या सीन है, वो बंद है या खुल गया है सर? वो भी खुला हुआ है। चलो इंशाल्लाह, ये दो मेन दो जगह है ना, लाजमी कोशिश करेंगे जाएंगे वहाँ पे। एक दिन में एक ही जगह आप देख? जी जी नहीं, रत्ती के लिए तो इंशाल्लाह लाजमी जाना, चाहे दो दिन लग जाए, क्योंकि वो ख़ास जगह है, नीलम वैली की मशहूर है। नहीं रिहाइश मिल जाएगी ना वो कैंप में, या कैंप बस ठीक है फिर उधर निकल जाते हैं, इस तरह हमारा टाइम बहुत ज़ाया हो जाएगा। हाँ गाड़ी अगर मिल गई तो जी जी कोशिश करते हैं फिर आगे जो अल्लाह मालिक। कहाँ से आया? मुल्तान से। माशाल्लाह, तो कौन सी गाड़ी में आए थे? लोकल गाड़ियों पे है ना, मतलब जिस तरह जब रुकते हैं रास्ते में जो मिल गई उस पर बैठ गए। तो कितना खर्चा हो जाएगा आपका? ये तो भी अल्लाह बेहतर जानता है, अभी तो हमारे प्लान तो काफी लंबे हैं आगे तक जाने के हैं, वो ताऊबर तक, बाकी जब बजट खत्म हो गया तो वापस चले जाएंगे। वैसे अंदाजा नॉर्मल बजट था हमारे, बजट इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए सर, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम खर्चा हो। नहीं वो बात सही है, वैसे आपका कितना बजट था? 20,000 दोनों के पास थे तकरीबन, आधे से ज्यादा लग गए हैं। रत्ती गली तो लाजमी इंशाल्लाह जाएंगे, चाहे पैदल भी आए, 5-6 बंदे दोस्त हूँ जी, ग्रुप में आए, ग्रुप में आए, उसमें खर्चा भी कम होता है, गाड़ी बंदा कर लेता है, मर्जी से कर लेता है जी जी, वो 60-70 हज़ार रुपया जो है ना जी, तो बड़ तक गाड़ी ले लेती है ऐसी मरी से। मरी से वो तो फिर वो तो बड़ा जबरदस्त है, फिर 2-3 दिन का टूर होता है ना, 5-7 बंदे भी हो ना फिर वो तकसीम हो जाता। सही नहीं, इधर अरेंज करते हैं इधर के लोग नीलम वैली के,
एक बंदे से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ था, फेसबुक से नंबर लिया था। अच्छा। वो कह रहा था कि आपको लाहौर से पिक कर लेंगे 15,000 में, 3 दिन का हम टूर करा देंगे। वो कभी भी टूर नहीं करना, वो तो जलालत है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं। अच्छा, वो बंदा बाउंड हो जाता है, उनके अंडर हो जाता है, फिर उनके अंडर हो जाता है बंदा। एक दफा जो इस तरह आता है ना, दोबारा वो नहीं आता। सर हमारी कोई ये है कि ना हम पॉइंट देख सकें ज्यादा से ज्यादा मर्जी के मुताबिक, फिर ज्यादा बंदे हो ना ये भी मसला होता है। 6-7 बंदे हो ना तो सही, आराम के साथ बंदा जो है ना घूमता है, हर पॉइंट देखता है, रास्ते के पॉइंट देखता है। अब आपका खर्चा जो है दाढ़ी से मुझे बच जाएगी आप। जी। जो परेशानी होती है वो अलग होती है। अल्लाह का करम है, अभी तक तो हम जा रहे हैं ठीक, आगे जो होगा नसीब में देखा जाएगा। चलो जी, अल्लाह खैर करेगा। ये दोनों साइड हैं जो है पाकिस्तानी है जी, वो ये इंडिया है सामने वाला। हाँ, ये जो है इंडिया है, ये पाकिस्तान है, कश्मीर। आपने आते हुए देखा है वो? गए थे उधर केरन सेक्टर पे, गए थे इधर। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं हमारा सफर जो है वो जारी है, और जो हमारी गपशप है वो भी कंटिन्यू है साथ साथ। नीचे भी रास्ता है जाने का? नहीं, नीचे नहीं है, ये पक्की दीवार है। ये वही रास्ता है ना जहाँ पे आप जाएंगे? हाँ, दीवारियों के लिए। हाँ, दरिया के साथ साथ ही जाता ना इस तरह? हाँ, साथ साथ जाते हैं। मैं अभी उधर से आ रहा था। सही, दीवारियों के लिए रास्ता जाता है। हाँ हाँ, यही मैं तो सवारी लेके आया हूँ। सही, आगे वो मेन स्टॉप पे जाना पड़ेगा हमें गाड़ी लेने के। यहाँ पे उतारूंगा ना, यहाँ से गाड़ी आपको मिलेगी। सही, वो मुजफ्फराबाद से जो पीछे से आती है ना, वही जाती है ना? हाँ, बड़ी गाड़ी आपको मिलेगी। लोकल पे जाना ना सर? वही लोकल हो जी, जो सवारियों वाली होती है ना। जी, या इधर कोई छोटी गाड़ी भी जा रही हो सवारी के साथ हो। चलो देखते हैं, कोई अगर सीन बन जाए तो। चलो जी, अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेके जाए। आपका कितना किराया होगा? नहीं फिर भी सर, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़। ये बैग पकड़ना मेरा यार, एक बैग पकड़ लेना, एक मैं ले यार। इस तरफ जाएगी गाड़ी है? ठीक होगा, ये पकड़ना, दरवाजा बंद करो, मैं बंद करूँ। बहुत शुक्रिया सर, बस तू कर दे यार मेरे वापस। बहुत शुक्रिया सर। तो ये देखिए जी, इस तरह के बंदे भी हमें मिल जाते हैं, इन्होंने हमें फ्री लिफ्ट दी है, बहुत मेहरबानी इनकी। इस तरफ है केरन सेक्टर और सामने है इंडिया, और इस तरफ हम जाएंगे दवारियां के लिए।